हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ के सूत्र का हम निम्न बताएंगे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो तो सूत्र होता है टू साइन ए कॉस वन। कैसे होता है इसको हम हल करेंगे। आप सूत्र जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अभी देख रहे हैं कि मिलाना है टू साइन ए कॉस बी, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी देंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यह देखेंगे जोड़ेंगे तो यह पद आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी क्या आ गया टू साइन ए कॉस बी, एक सूत्र यह हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, फिर लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर हो जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बार घटा देंगे तो सूत्र चेंज हो जाएगा। घटाएंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखेंगे कि यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, इससे यह कैंसिल होगा कॉस ए साइन बी और प्लस कॉस ए साइन बी, सूत्र हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी, यानी एक सूत्र आपका हो गया। तो एक सूत्र आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सूत्र हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। दूसरा सूत्र होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी। अंतर क्या है, यहाँ टू साइन ए पहले है और यहाँ टू कॉस ए पहले है, और कॉस बी बाद में है, साइन बी बाद में है। तो यह दो सूत्र आपका हल हो गया। अब इसी तरह कॉस वाला, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी का सूत्र होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखेंगे कि कॉस ए प्लस बी है तो सूत्र हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी है तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आपको मिला, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल, जोड़ेंगे
यह वाला पद कैंसिल हो जाएगा, क्या सूत्र आया, टू कास ए और कास बी, एक सूत्र मानकर आपका यह आ गया। अब दूसरा सूत्र एक बार घटाएंगे, यह हो जाएगा कास ए प्लस बी, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कास ए माइनस बी कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी, घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी। अब देखते हैं कि अगर माइनस को खत्म करना हो तो माइनस का दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब माइनस का गुणा कर देंगे तो ये ऋण हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं या कास ए माइनस बी, और देख यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू टू साइन ए और साइन बी, ये आपका सूत्र हो गया। अब अगला सूत्र साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र हो जाएगा आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। अब देखेंगे कैसे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने बताया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, सूत्र आया था टू साइन ए कास बी। अब यहाँ हम कुछ मानेंगे, यानी इसको हम सी मान माना, ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लेंगे। एक करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, टू ए इक्वल टू सी प्लस डी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू, यह हो गया। अब ये देखेंगे इन दोनों समीकरणों को एक बार घटा देंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी, घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो गया, तो टू बी इक्वल टू सी माइनस डी, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू, दिया हो गया। अब सारे वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ हम पुट कर देंगे, यानी a प्लस बी को हमने क्या माना है, c माना है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन c प्लस a माइनस बी को हमने क्या माना, d, लिख सकते हैं साइन d इज इक्वल टू टू। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आया है सी प्लस डी बाई टू, या लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास, बी की वैल्यू कितना आया है, सी माइनस डी, लिखेंगे सी माइनस डी बाई टू, ये आपका सूत्र हो गया। अगला सूत्र साइन सी माइनस साइन डी का,
सी माइनस साइन डी का हो जाएगा टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे हम, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सूत्र होता था आपका टू कास ए इंटू साइन बी। अब देखेंगे फिर उसी तरह से, माना ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक बार जोड़ेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह टू ए इक्वल टू सी प्लस डी, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू हो गया, ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे तो ए प्लस डी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, टू बी इक्वल टू सी माइनस डी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बटे दो हो गया। अब यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, a प्लस बी को क्या माना, c माना, तो हम लिखेंगे साइन c माइनस साइन a माइनस बी को क्या माना d इक्वल टू के जगह पर टू, cos के जगह पर cos, a के जगह पर क्या वैल्यू आया, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपका सूत्र हो गया। अगला सूत्र कास का, कास सी प्लस कास डी का सूत्र निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे, कास वाले का सूत्र लगाएंगे, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, सूत्र होता है टू कास ए इंटू कास बी। सेम कंडीशन उसी तरह से, ए प्लस बी माना, ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, टू ए बराबर सी प्लस डी, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू हो गया, घटा देंगे एक बार, ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, घटाएंगे तो ए माइनस ए प्लस ए माइनस, इससे यह कट जाएगा, टू बी बराबर सी माइनस डी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई टू, यह आ गया आपका यहाँ। अब सारे वैल्यूज को इसमें हम रख देंगे, यह हो गया कास, ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, सी माने हमने, तो सी प्लस कास ए माइनस बी को क्या माना, डी माना, डी इक्वल टू यहाँ टू है तो टू, कास है तो कास, और ए की वैल्यू क्या आई है, सी प्लस डी बाई टू, लिखेंगे सी प्लस डी बाई टू इंटू कास, बी की वैल्यू क्या आया है, सी माइनस डी बाई टू, एक सूत्र आपका यह हो गया निगमन। अब कास सी माइनस कास डी का, कास सी माइनस कास डी का सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, और यह हो जाएगा डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, कास सी माइनस कास डी का सूत्र होगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको भी,
कास, लास्ट वाला सूत्र में बताया था कि कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू होता है टू साइन ए इंटू साइन बी होता है। अब यहां भी हम मानेंगे ए माइनस बी, माना ए माइनस बी बराबर सी और ए प्लस बी बराबर डी। इसमें इसको सी मान सकते हैं और इसको डी मान सकते हैं, तब भी काम चल जाएगा। इस तरह मानेंगे तो भी काम चल जाएगा। एक बार जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू सी प्लस डी हो गया, तो a इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू हो गया। एक बार घटा देंगे, a माइनस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी इक्वल टू डी। घटाएंगे या माइनस, या आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस या माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस टू बी इक्वल टू सी माइनस डी। तो अब ये देखेंगे कि माइनस को खत्म करने के लिए इधर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह टू बी इक्वल टू या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, यानी डी माइनस सी हो गया, तो डी इक्वल टू डी माइनस सी बाई टू। अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे, अब देखिए पुट करते हैं, पुट करेंगे तो कास की जगह पर कास हो जाएगा, ए माइनस बी को हमने क्या माना था, सी माइनस कास डी इक्वल टू टू साइन ए की वैल्यू कितना है, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है, डी माइनस सी बाई टू। ये आपके सूत्र का निगमन हो गया। आशा करते हैं बच्चों जितना भी सूत्र बताया गया है आपको समझ में आया होगा। आप सभी सूत्र को लर्न कीजिएगा। थैंक यू।